रायबरेली और वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने एक बड़ी दुविधा है। दरअसल वो किसी एक सीट से ही सांसद रह सकते हैं। बुधवार को उन्होंने वायनाड की जनता को संबोधित किया। उन्होंने वायनाड की जनता को धन्यवाद दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि वो दुविधा में है कि क्या वो रायबरेली को चुने या वायनाड को। राहुल गांधी के इस बात पर वायनाड की जनता ने कहा। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे फैसले से वायनाड और रायबरेली दोनों खुश होंगे। मैं वादा करता हूं सभी तरह के समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं और मैं जल्द ही आपसे फिर मिलने आऊंगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद इस मामले पर फैसला करेंगे। बता दें कि वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ के सुरेंद्र चुनाव लड़ रहे थे, वहीं रायबरेली में राहुल के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे थे। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए डेस्क रिपोर्ट।